देश दिन भर में इस वक्त हमारे साथ देश के चार अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीनगर से खालिद आपको, दिल्ली से नीरज गुप्ता आपको, मुंबई से निशात शमसी और दिल्ली से रवि सिंह आपको भी। लेकिन देश दिन भर में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी। आज दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री श्रीनगर जा रहे हैं और उसके पहले उन्होंने सियाचिन जाने का फैसला किया है। सियाचिन जहां तापमान आज कम से कम रहेगा -13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान रहेगा -5 डिग्री सेल्सियस, और इस ठंड में जहां हमारे जवान तैनात हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री दिवाली उनके साथ मनाएंगे। सियाचिन जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, दोस्तों मैं सियाचिन जा रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस खास दिन पर हमारे जांबाज सैनिकों के साथ वक्त बिताऊंगा। आगे वो लिखते हैं, सियाचिन में हालात कितने मुश्किल होते हैं ये हम सब जानते हैं। हर चुनौती का सामना करते हुए हमारे सैनिक हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अपने तीसरे ट्वीट में प्रधानमंत्री लिख रहे हैं, ऊंचाई हो या कड़ाके की ठंड, हमारे जवान डटे रहते हैं। हमारे राष्ट्र की सेवा में जुटे ये जवान हमारा गौरव है। चौथा ट्वीट प्रधानमंत्री का, मैं सियाचिन हर भारतीय का ये संदेश लेकर जा रहा हूं कि हम जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और अगले ट्वीट में, सियाचिन के बाद मैं तय कार्यक्रम के मुताबिक मैं श्रीनगर जाऊंगा जहां मैं बाढ़ पीड़ितों के साथ समय बिताऊंगा। देश दिन भर में आइए अब सीधे रुख करते हैं हमारे सभी कॉरेस्पॉन्डेंट्स का, सबसे पहले रवि सिंह के पास। रवि, दिवाली की आपको शुभकामनाएं। आपको आकाश दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आईबीएन 7 के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी के। यूपी के मुजफ्फरनगर में शराब की तस्करी करने वाला एक शख्स पुलिस के लिए घंटों मुसीबत बना रहा। यहां पर छापेमारी करने के लिए जब पुलिस पहुंची तो वो शख्स बंदूक लेकर छत पर चढ़ गया और उसके पास पहुंचने की कोशिश करने वालों पर वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाता रहा। मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र में अपने घर की छत से पुलिस वालों पर गोलियां चला रहे इस शख्स का नाम है पंकज। इसका कहना है कि अगर कोई भी इसके घर की तरफ आया तो ये उसे गोली मार देगा। घर के चारों ओर पुलिस वाले तैनात हैं और इसे नीचे उतर आने के लिए समझा रहे हैं, मगर ये इतनी आसानी से कहां मानने वाला था। चार घंटे तक ऐसा ही तमाशा चलता रहा। ये सरफिरा कई पुलिस वालों को यूं ही छकाता रहा। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। सूचना ये मिली थी कि वहाँ पे वो वहाँ का काफी बड़ा दफ्तर है, काफी भारी मात्रा में शराब की सप्लाई भी करता है। सूचना पे लोकल थाने की पुलिस, मुगाना थाने की पुलिस, वहाँ आबकारी टीम के वहाँ पे गई तो पहले तो टीम पे बैठ। पुलिस के शिकंजे में आने के बाद आरोपी शराब तस्कर खुद को बेकसूर बता रहा है। बहरहाल पूरा ऑपरेशन सही ढंग से निपट जाने पर पुलिस ने राहत की सांस ली है। गुड़गांव के पॉश कॉलोनी पालम विहार में दिल दहला देने वाली एक वारदात से हड़कंप मच गया। यहां एक शख्स ने ताबड़तोड़ 9 गोलियां चलाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया। दिवाली से एक दिन पहले एक बेटी बिलख बिलख कर रो रही है, कानून से कर रही है इंसाफ की मांग। जी हां, गुड़गांव की ये बेटी अपने पिता के लिए कानून से फांसी चाहती है। फांसी इसलिए क्योंकि आरोप है कि इसके पिता ने इसकी मां यानी अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पिता ने एक नहीं, दो नहीं, 9 गोलियां इसकी मां पर फायर की। मेरी भाभी जिसको उसने खत्म कर दिया, वो बेचारी अपनी तरफ से हर एक से निभाती रहती थी। जिस समय ये वारदात हुई उस समय घर में नौकर और नौकरानी मौजूद थे। घर के नौकर के मुताबिक दिनेश ने जब अपनी पत्नी को गोली मारी तो आवाज सुनकर नौकर वहां पहुंचा। उस वक्त अलका तड़प रही थी और पानी मांग रही थी, लेकिन आरोपी दिनेश ने किसी को भी पानी देने से मना कर दिया। कुछ ही देर में दिनेश मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। घर के नौकरों ने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले अलका दम तोड़ चुकी थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने कार सवार युवकों पर गोलियां चला दी।
ये घटना नेशनल हाईवे पर उस वक्त घटी जब कार चला रहे युवक ने बाइक सवार बदमाशों से साइड मांगने के लिए हॉर्न बजाया। कमर पर गोली की रगड़ का निशान दिखाता अंकुर नोएडा में इंजीनियर का छात्र है। अंकुर अपने दो चचेरे भाई और बहन के साथ नोएडा से गाजियाबाद अपने रिश्तेदारों से दिवाली मिलने जा रहा था। रास्ते में नेशनल हाईवे 24 पर विजयनगर इलाके में जाम लगा था। उसने अपनी कार के आगे चल रहे बाइक सवार को हटने के लिए जब हॉर्न बजाया तो बाइक सवारों को ये नागवार गुजरा। बदमाश अपनी बाइक कार के पास लेकर आए और कार में बैठे लोगों पर फायरिंग कर दी। गोली अंकुर को छूते हुए निकल गई, लेकिन दूसरी ओर बैठे साहिल नाम के लड़के को जा लगी। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। साहिल को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे की खबरों के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी तेजस्वी के पास। शुक्रिया रवि आपका, और आपको सभी को यहाँ पे दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आपको बताते हैं आज देश भर में दिवाली मनाई जा रही है पूरे धूमधाम से। लोग एक दूसरे को दिवाली की बधाई दे रहे हैं और यहाँ पर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दीपों की रोशनी में नहाया हुआ है। इलाहाबाद के स्टेडियम में हजारों दिए खूबसूरत छटा बिखेर रहे हैं। दिवाली के मौके पर देश भर के शहरों में बाजार सजे हुए हैं। एक दूसरे को उपहार देने के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में भले ही पटाखों की भरमार है, लेकिन कुछ बच्चे पेंटिंग्स के जरिए ये संदेश दे रहे हैं कि पटाखे कम चलाइए और शोर कम करिए। लक्ष्मी गणेश पूजन से पहले लोग अपने घरों को सजा रहे हैं। फूल और लड़ियां लगाने के साथ ही रंगोली बनाई जा रही है। दिवाली का जश्न अगरतला में बांग्लादेश से सटी सीमा पर भी दिखाई दिया। यहाँ बॉर्डर पर दोनों देशों के जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ देकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। और देश देश भर में खबरें और भी हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे बड़ी खबर है कनाडा से, जहाँ बुधवार को यहाँ पे संसद परिसर में एक सरफिरे शख्स ने घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग में एक सुरक्षाकर्मी मारा गया है, जबकि यहाँ पे सुरक्षाकर्मियों ने सरफिरे हमलावर को भी वहीं पर ढेर कर दिया। यहाँ पे फायरिंग का मकसद क्या था ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन यहाँ पे संसद की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और सुरक्षाकर्मियों के भी होश फाकता है इस वारदात के बाद। वहीं पर बाद में जो खबरें आ रही हैं उससे ये पता चला है कि संसद के पास ही वॉर मेमोरियल पर तैनात सुरक्षाकर्मी को गोली मार कर ये सरफिरा हमलावर संसद में अंदर घुसा था। Canada will never be intimidated. In fact, this will lead us to strengthen our resolve and redouble our efforts and those of our national security agencies to take all necessary steps to identify and counter threats and keep Canada safe here at home. और वहीं आपको बताते हैं भारत ने इस हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर संसद पर इस हमले को चिंताजनक बताया है और सबकी कुशलता की कामना की है। आगे की खबरों के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी खालिद हुसैन के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों का दर्द साझा करने और दिवाली मनाने आज श्रीनगर जा रहे हैं। मोदी के दौरे को लेकर श्रीनगर में जोर से तैयारी की गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ पीड़ितों के लिए किसी राहत पैकेज का भी ऐलान करेंगे। ये चाक चौबंद सुरक्षा प्रधानमंत्री के दौरे से पहले की है। आज दोपहर करीब 12 बजे मोदी श्रीनगर में राजभवन पहुंचेंगे, जहां वो कुछ बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो बाढ़ राहत के काम का जायजा लेंगे। इसके बाद उनका किसी रिलीफ कैंप में जाने का कार्यक्रम है। शाम 5 बजे के बाद वो दिल्ली वापस लौट आएंगे। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से राज्य में मोदी का ये चौथा दौरा होगा। करेंगे हमारे लिए सर, जब वो खुद यहाँ पे आएंगे खुद देखेंगे सर हमारा हालात कैसा है, कैसा हमारे बच्चे का हालात कैसा है यहाँ। हमें नरेंद्र मोदी जी से ये उम्मीद है कि हमारे लैंड दीजिए, आने वाले महीनों में विंटर आने वाला है, हम क्या कर सकते हैं, बर्फ पड़ेगी नहीं, टेंटी में मत रह पाएंगे। मोदी के इस दौरे को राज्य में बीजेपी की स्थिति को मजबूत बनाने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में 3 सीटें झटक ली थी, जबकि बाकी 3 सीटें पिछले एनडीए में उसकी सहयोगी रही पीडीपी को मिली थी। बीजेपी को ये सीटें जम्मू लेह लद्दाख के इलाके में मिली थी, जबकि कश्मीर खासकर घाटी में वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में नाकाम रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जुड़ गए हैं। उमर ने बुधवार को श्रीनगर नगर निगम के कर्मचारियों के साथ साफ सफाई की।
बुधवार रात को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में झाड़ू लगाकर सफाई की। उनके साथ श्रीनगर नगर निगम के कर्मचारी भी शामिल थे। उमर को प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान के लिए सलमान खान ने नॉमिनेट किया था। उमर ने इसके लिए ट्विटर पर सलमान खान का शुक्रिया अदा किया। उमर ने ट्विटर पर तस्वीरें पोस्ट कर ये भी जानकारी दी कि वो इस अभियान से जुड़ने के लिए 9 लोगों के नाम जल्द ही प्रस्तावित करेंगे। अब रुख करते हैं दिल्ली का, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी नीरज गुप्ता। शुक्रिया खालिद। मैं बताऊंगा सरकार और विपक्ष के बीच काले धन के मुद्दे पर मची जुबानी जंग के बारे में। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार इस बात का इशारा किया है कि विदेशों में काला धन जमा करने वालों की लिस्ट में यूपीए सरकार में रहे एक बड़े मंत्री का नाम शामिल है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे। क्या काले धन की लिस्ट में पुरानी यूपीए सरकार के किसी बड़े मंत्री का भी नाम है? एक अंग्रेजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अरुण जेटली ने सवाल के जवाब में पहली बार बड़े संकेत दिए हैं। जेटली के मुताबिक सरकार काले धन के मालिकों के नाम कोर्ट में बता सकती है, लेकिन इसे जनता में तब तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता जब तक कि अकाउंट धारक पर किसी अदालत में मुकदमा दर्ज ना हो जाए। अगर नाम सामने आए तो हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, हाँ कांग्रेस पार्टी को जरूर हो सकती है। वित्त मंत्री के ताजा बयान के बाद कांग्रेस का कहना है कि सरकार उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे। कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की धमकी और ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आने वाली है। देश दिन भर में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन इसके बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मुंबई में मौजूद मेरे सहयोगी निशात शम्सी। महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन देने ना देने को लेकर शिवसेना में दो गुट बन गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली के बाद सोमवार से फिर से दोनों पार्टियों के बीच बातचीत हो सकती है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को समर्थन देने के मुद्दे पर शिवसेना में दो धड़े बन गए हैं। एक धड़ा समर्थन देने के पक्ष में है, जबकि दूसरा धड़ा मानता है कि शिवसेना विपक्ष में बैठे। इसके पीछे तर्क ये है कि पार्टी को बीजेपी ने अपमानित किया है। अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो मंत्रिमंडल में ना तो सम्मानित जगह मिलेगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरेगा। हम लोगों ने बीजेपी को सरकार दी है, जिम्मेदारी थी हमारी उनकी, वो जो पैटर्न मॉडल बना है मॉडल के ऊपर उनको चलना चाहिए। वहीं बीजेपी में भी सीएम को लेकर पेंच फंसता दिख रहा है। 40 से ज्यादा विधायक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए लामबंदी कर रहे हैं। हालांकि गडकरी यही कह रहे हैं कि वो दिल्ली में ही खुश हैं, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने चुप्पी साध रखी है। वैसे रेस में फडणवीस को ही सबसे आगे माना जा रहा है। मुंबई में बदल जाएंगे टैक्सी चालकों के पोशाक। महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने टैक्सी चालकों के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें उन्होंने खाकी के बदले सफेद ड्रेस पहनने की इजाजत मांगी थी। बता दें कि मुंबई में अंग्रेजों के जमाने से ही टैक्सी चालक खाकी ड्रेस पहनते आ रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर दौड़ती इन गाड़ियों के सभी ड्राइवर अब आपको खाकी की बजाय सफेद ड्रेस पहने नजर आएंगे। अंग्रेजों के जमाने के पहनावे से इन्हें अब मुक्ति मिल गई है। कुछ वक्त पहले टैक्सी यूनियन की बैठक में सरकार से सफेद पोशाक पहनने की गुजारिश की गई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। हाल ही में टैक्सी ड्राइवरों की पोशाक खाकी से बदलकर व्हाइट यूनिफॉर्म में की कर दी गई है, तो आप इससे खुश हैं? जी हाँ, खुश है। हम लोग भी टैक्सी वाले क्यों खाकी होने चाहिए? हमारा टैक्सी वाले सज्जन लोग हैं और ये सज्जन लोग जो कभी सफेदी पहनना अच्छा पसंद करते हैं। भले ही टैक्सी चालकों के बीच इस नए नियम को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया हो, मगर इस आदेश को नहीं मानने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना लगेगा। आज देश में बस इतने ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं ग्रीस में ईस्टर के मौके पर होने वाले रॉकेट वार की तस्वीरों के साथ।